आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय चैनल जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। विश्व सर्प दिवस स्नेक रेस्क्यू टीम ने किया आधा दर्जन नाग के बच्चों को रिलीज। डीएफओ ने दिया जिले वासियों को बधाई। विश्व सर्प दिवस के अवसर पर कुछ महीने पहले रेस्क्यू किए गए अंडों में से बाहर आए नाग के बच्चों को किया गया जंगल में आजाद, जिसका जिम्मा स्नेक रेस्क्यू टीम प्रमुख वन विभाग सदस्य जितेंद्र सारथी को दिया गया था, जिसकी देखरेख जितेंद्र सारथी ने जी जान लगा कर किया। साथ ही डीएफओ श्रीमती प्रियंका पांडे ने जिले वासियों को दिया विश्व सर्प दिवस पर बधाई, साथ ही जितेंद्र सारथी की मेहनत की सराहना। कोरबा राजगमर से नागेंद्र पाल की रिपोर्ट। आप लोग, आप क्या संदेश देना चाहते हैं सभी लोगों को वर्ल्ड स्नेक डे पर? एक तो कोरबा वासियों को ये कहना चाहूँगी कि आपका जो कोरबा का क्षेत्र है, ये इसमें तरह तरह के अलग अलग वैरायटी के स्नेक्स पाए जाते हैं, और हमको जो है स्नेक्स के कोई इको सिस्टम में क्या स्थान है वो समझना चाहिए। हमारे जो स्नेक्स हैं वो हमारे जो खेत खलिहान में चूहे और दूसरे ऐसे कीट पतंग और टिड्डे आदि आते हैं, उनको खाते हैं, गिरगिट खाते हैं, तो ये जो है अपनी इको सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रखते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे स्नेक्स हैं जो मतलब वेनमनस होते हैं, कुछ नॉन वेनमनस होते हैं। तो जो वेनमनस है वो तो वास्तव में आपको उससे दूरी बना के रखना है, और जब कभी भी आप उसको देखते हैं आप तत्काल रेस्क्यू टीम को बुलाएं। खबरों में बने रहने के लिए जेएक्स न्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि हर खबर की अपडेट आपको मिलती रहे।